नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो है अपने फ़ोन को जो है जियो फाइबर के वाईफाई से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा और इजी प्रोसेस है बिगनर्स के लिए, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। वैसे तो लगभग सभी को यह पता होता है, बट मेरा काम है टॉपिक उठाकर जो है वीडियो बनाना। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से जो अपने फ़ोन को जो है जियो फाइबर से जो है कनेक्ट किया जाता है, जियो फाइबर वाईफाई से जो है कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको जो ऊपर से जो है नोटिफिकेशन बार जो आता है, वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ करना है, ओपन करना है। एंड यहाँ पर जो वाईफाई का जो आइकन है, इसके ऊपर हमें लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया वाईफाई। एंड इसे यहाँ से जो है आपको ऑन कर देना है। अगर ये आप ऊपर से नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ देखो वाईफाई, तो वाईफाई के ऊपर में क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो जो जो नेटवर्क आपके आसपास अवेलेबल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर जियो फाइबर 2 ठो यहाँ पर शो हो रहा है, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, सैमसंग F62 रख दिया और सैमसंग गैलेक्सी F62 यहाँ पर रख दिया मैंने नाम चेंज कर दिया अपने जियो फाइबर का। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से जियो फाइबर का जो है नाम चेंज किया जाता है यूज़र नेम, तो उस टॉपिक पर मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। यहाँ तक जियो फाइबर से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, सभी पर मैंने एक एक पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं जो है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर जो है सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें से जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट होना चाहते हो, सिंपली इसके ऊपर मैं आपको जो है क्लिक कर लेना है। तो चलो, जैसे कि मैं जो है ऊपर वाले से यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर सैमसंग F62 से, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर जो है इंटर करना होगा। चलो पासवर्ड मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने यहाँ पर इंटर कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो रिकनेक्ट यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप जब भी वाईफाई चालू करेंगे तुरंत अपने आप जो है कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसे बंद कर देंगे तो अपने आप कनेक्ट नहीं होगा, मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर जो है मैं कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर इसका ये मेरा जो वाईफाई से मेरा फ़ोन जो है आसानी से कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आसानी से आप जो है जियो फाइबर वाईफाई से जो है अपने फ़ोन को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जियो फाइबर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने जो है बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ मैं, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। उसमें सारा डिटेल जो है डिटेल में मैंने बताया हुआ है, जैसे वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड पता करना है, या फिर यूज़र नेम चेंज करना है, डिवाइसेस को ब्लॉक करना है, सारा कुछ जो है मैंने बताया हुआ है अलग अलग वीडियोज़ में। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर जो है आप देख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।